हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक एंड क्लीन विद संगीता। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपने घर पे ये झींगा मछली को इजीली क्लीन कर सकते हैं। इसके ये जो झींगा मछली आप देख रहे हैं ना, इसके साथ कुछ चिंगड़ा मछली भी मिक्स है और कुछ बड़ा चिंगड़ी जिसको टाइगर प्रॉन बोलते हैं, जिसके बॉडी में थोड़ा सा आपको डिज़ाइन दिख रहा है, ये है टाइगर प्रॉन प्लस झींगा मछली, ये मिक्स है। तो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कैसे आप अपने घर पे बहुत ईजिली इसको क्लीन कर सकते हैं। तो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये देखिए, मैंने एक ये है चिंगड़ा मछली, ये है जिसका बड़ा वाला एंटीना होता है ना, ये जो मैं अभी काट रही हूँ इसको चिंगड़ा मछली बोलता है। इसका दो एंटीना बहुत बड़ा बड़ा होता है, थोड़ा सा मोटा होता है। ये एंटीना जिन लोग खाते हैं वो अपना काट के ऐसे ले सकते हैं, और जो नहीं खाते हैं वो उसको नहीं ले सकते हैं, वो अपना मर्जी होता है। और इस तरह से जो जितना एंटीना निकला हुआ है सबको एक साथ पकड़ के इस तरह से जो हसिया होता है, हसिया से हम क्लीन कर देते हैं, इसको काट देते हैं। और देखिए, इसका जो पेट के पास इसका जो सेल होता है, सेल को पकड़ के इस तरह से खींचने से ये बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। ये देखिए, इस तरह से पकड़ के ऐसे इसको खींचना रहता है, बस ऐसे हाथ डाल के इस तरह से घुमा देना है, ये बहुत इजीली रिमूव हो जाता है। और इसका जो पीछे का जो टेल है उसको ऐसे काट देना रहता है। और देखिए, इसका जो ऊपर साइड होता है ना, ये देखिए जैसे मैं जहाँ पे पकड़ी हूँ यहाँ पे होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड, जो ये खाते हैं जो गंदगी होता है यहीं पे ही रहता है। ये ऐसे थोड़ा सा काट करने के बाद इसके अंदर थोड़ा सा फांपा जैसे होता है, तो ऐसे काट करने के बाद ये डाइजेस्टिव जो ग्लैंड है वो ऐसे लंबा करके रहता है। और ऐसे पकड़ के इसको खींचने से ये पूरा ऊपर से नीच तक ये ईजिली रिमूव हो जाता है। ऐसे ब्लैक कलर का होता है, हमने देखे इसको हल्का सा ऐसे खींचने से इस तरह से ये निकल जाता है। जैसे मैंने कट किया है, ये देखिए, ये भी चिंगड़ा मछली है। इसको देखिए, दो बड़ा बड़ा जो एंटीना होता है इसको चिंगड़ा मछली बोलता है, चिंगड़ा झींगा फिश का भी वैरायटी होता है, इसको चिंगड़ा नाम बोलते हैं। और ये देखिए, सारा जो वो इसका जो मोटा मोटा एंटीना है वो हम खाते हैं बोल के हमने रखे हैं, और जिन लोग नहीं खाते हैं तो इसको ऐसे फेंक दे। और इस तरह से जितना एंटीना निकला हुआ है सारे को इस तरह से पकड़ के इसको काट देना है। इसका भी जो कांटा टाइप का होता है ना, उसको भी पकड़ के इस तरह से काट देना है। और पेट के साइड इस तरह से ऐसे करके हाथ डाल के इसको जो सेल को ऐसे खींचने से ये इजीली रिमूव हो जाता है। इस तरह से आप झींगा मछली को घर पे इजीली क्लीन कर सकते हैं। पहले भी मेरा झींगा मछली क्लीन करने का और एक डिटेल्स वीडियो पहले से ही मेरे चैनल में है, आप चाहे तो मेरा वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, कैसे हाउ टू क्लीन प्रॉन बोल के आप सर्च करेंगे कुक एंड क्लीन विद संगीता देके तो निकल आएगा। उसमें 50,000 से ऊपर मेरा व्यूज़ है। ये देखिए, इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड बहुत ईजिली ऐसे करके रिमूव हो जाता है। इस तरह से सारे फिश का डाइजेस्टिव ग्लैंड को इस तरह से निकाल काट के निकाल देंगे। वो वीडियो आप चाहे तो आप देख सकते हैं, उसमें 50,000 से ऊपर मेरा व्यूज़ है। और बहुत लोग बहुत ज़्यादा पसंद किए हैं और बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट था और वीडियो बनाने के लिए, इसलिए मैंने वीडियो बनाया इस टाइप का। और ये देखिए, ज़्यादातर इसमें ना चिंगड़ा मछली मिक्स है, एक चिंगड़ा है और जिसमें थोड़ा सा डिज़ाइन टाइप का जिसका सेल है ना उसको टाइगर प्रॉन बोलते हैं, जो टाइगर जैसे इसका बॉडी में थोड़ा सा डिज़ाइन होता है। और बाकी ये सारा झींगा फिश है, सॉरी चिंगड़ा फिश है। इस तरह से सारे हम क्लीन कर लेंगे। सेम क्लीनिंग प्रोसेस सेम है बोल के मैं पूरा मतलब पूरा हम नहीं बता रहे हैं, आप एंजॉय कर सकते हैं। मैं जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ मैं वॉइस ओवर कर दूंगी। पूरा क्लीन करने के बाद फिर मैं कैसे वॉश करती हूँ ये लास्ट में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, कैसे इसको वॉश करना रहता है एकदम, इसमें कोई भी जर्म्स नहीं रहेगा। वो लास्ट तक आप मेरा वीडियो देखिए, तब आपको ज़रूर पता चल जाएगा।
अब मैं आ गई हूँ इसे क्लीन करने के लिए। तो क्लीन करने के लिए पहले मैं टैप वाटर के नीचे इसको रख दूँगी, रख के 5-6 बार फ्रेश पानी दे के बार बार इसको मैं क्लीन करूँगी, जब तक ना पानी का पानी गंदा पानी एकदम ट्रांसपेरेंट ना हो जाए। बार बार आप धुलेंगे तो देखिएगा पानी थोड़ा सा गंदा गंदा आपको लगेगा फर्स्ट टाइम 3-4 बार धोने के बाद। उसके बाद 3-4 बार जैसे आप धो लेंगे उसके बाद पानी धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, मतलब पानी क्लियर होने लगेगा। पानी अगर क्लियर हो जाता है तब इट मीन्स जो फिश के बॉडी में जो गंदगी था वो क्लीन हो चुका है। तो देखिए 4-5 बार मैं अच्छा से इसको क्लीन करूँगी टैप वाटर दे के। ये क्लीन हो चुका है, 5-6 बार मैंने क्लीन कर चुके हैं। अब इसमें 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक डाल के इसको अच्छा से मिक्स करूँगी जब तक ना नमक अच्छा से मेल्ट हो जाए। जब तक मतलब नमक अच्छा से जब मेल्ट हो जाएगा तब जो फिश के ऊपर जो गंदगी होता है जैसे ब्लैक हो जाता है और या तो कुछ भी बैक्टीरिया वगैरह कौन सा पानी में रहता है, बैक्टीरिया वगैरह जो ग्रोथ हो जाता है फिश के बॉडी के ऊपर, वो सारे ये नमक के वजह से क्लीन हो जाएगा और जो किल भी हो जाएगा बैक्टीरिया वगैरह, और फिश एकदम चमकने भी लगता है। नमक दे के फिश को जब क्लीन करेंगे ना तो फिश का जो बॉडी है ना बॉडी से एकदम गंदगी निकल जाता है और फिश का जो कलर है ना वो एकदम चमकने लगता है। आफ्टर वॉशिंग मैं नमक दे के वॉश करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी, देखिएगा फिश कितना चमक जाता है। अगर अभी नमक से कभी अगर आप नहीं क्लीन करते तो एक बार क्लीन करके देखिएगा। ये देखिए फिश का कलर देख रहे हैं ना कितना क्लीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा क्लीन हो गया है। और खाने में मतलब देखने में अच्छा लगता है बोल के खाने में भी अच्छा लगता है, तो ज़रूर आप लोग ऐसे क्लीन करें। और मेरा वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, फिर मिलती हूँ और एक न्यू ब्लॉग के